हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पैसे बचा सकते हो, हाउ टू सेव मनी। दोस्तों, पैसे कमाना, फिर उसको बचाना और उसको बढ़ाना, हर एक चीज इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि आप सिर्फ पैसे कमाते रहोगे और उसको बचाओगे नहीं तो आपकी कोई सेविंग नहीं होगी। तो आपको अगर कोई भी अनसर्टेनिटीज आ जाती है, अनफोर्सिन इवेंट्स आ जाता है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो उस टाइम पे आपके पास पैसे होंगे नहीं। दोस्त तो सब बन जाते हैं, लेकिन जब आप पैसे मांगने जाओ तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई 100 रुपए मत मांग, जान मांग ले चाहिए। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो इसके लिए खुद के पैसे खुद बचाना आना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको 5 टिप दूंगी जिसको यूज करके आप जरूर पैसे की सेविंग्स कर पाओगे। टिप नंबर वन है आस्क फॉर डिस्काउंट। सबसे पहली बात है, जब भी आप दुकान में शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी स्टोर पे या कोई भी स्ट्रीट मार्केट पे कहीं भी शॉपिंग करते हो, आप जरूर दुकान वाले से डिस्काउंट मांगिए। 10% डिस्काउंट तो कोई भी देगा, लेकिन आप जरूर आप अपने से अपफ्रंटली डिस्काउंट मांगिए ताकि आपकी वो डिस्काउंटेड पैसे से सेविंग हो सके। ये तो हुई जब हम कैश में डील करते हैं, बट जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो काफी सारे वेबसाइट है जैसे कूपन गुनिया, कूपन ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके यहाँ से आपको कूपन कोड मिलेगा, वो डालकर आपको काफी सारे डिस्काउंट मिल सकते हैं। अप टू 55%, 60%, 70% डिस्काउंट भी मिलते हैं काफी सारे वेबसाइट्स पे। अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग कर रहे हो, या आप फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, या आप होटल बुकिंग कर रहे हो, या रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, जस्ट सर्च फॉर अ कोड, वो डालिए और आपका काम हो गया। क्यों ना पैसे वेस्ट क्यों करना है हमको ऐसे सब जगह, जहाँ पे आप दो पैसे बचा सकते हो वहाँ पे बचाना सीखना जरूरी है। तो आप ऐसे करके पैसे जरूर बचाइए। गाइस, टिप नंबर टू है घर पे खाना बनाकर खाइए। अब आप अगर रेस्टोरेंट में जाकर खाते हो तो आपका आमतौर पे बिल 2,500-3,000 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आपको खाना खाना बहुत पसंद है, बाहर यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज यूट्यूब पर देखकर बना सकते हो, और जो डिश आपको बाहर 2,000 में आप फैमिली के साथ जाकर खाते हो तो वो आप घर पे 200-300 में खा सकते हो। इससे आपको दो फायदे होंगे दोस्तों। दो फायदे क्या है, फर्स्ट, क्योंकि आप घर पे बना रहे हो तो हाइजीनिक होगा फूड और आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगी। सेकेंड, पैसे भी बचेंगे, राइट? तो जरूर घर पे बनाकर खाना खाइए। थर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मंथली बजट बनाइए। जो सैलराइड है इनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये मंथली बजट ऑप्शंस है, क्योंकि आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें आपका सारा एक्सपेंसेस लिख दीजिए और आपका सारा इनकम लिख दीजिए। सैलराइड हो तो भी कोई, अगर साइड इनकम है तो वो भी आप इसमें जॉट डाउन कर सकते हो। सारे एक्सपेंसेस लिख दीजिए, एक थोड़ा बफर एक्सपेंस रखिए अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए, जैसे कि हो सकता है बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर के पास जाने के लिए एक्सपेंस, पेट्रोल का एक्सपेंस, कोई भी मूवीज देखने जा रहे हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आप एक बफर में रख दीजिए। उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उसमें से हर महीने आप सेव कर सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप हर महीने कितना खर्चा कर सकते हो। इसमें एक टिप और है, इसमें ये है कि आप जब भी खर्चा करो तो दोस्तों कैश में पैसा दे, क्योंकि जब हम कैश में देते हैं और एक्चुअली पर्स में से पैसे निकाल के देते हैं तो थोड़ा सा दुखता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इतने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वही अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे भरते हैं तो इतना सोचते नहीं है, तो वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल थिंग है। तो आप जरूर से ही अपना कर देखिए, कैश में भरिए तो आपको जरूर से इसका फायदा होगा। तो ये और इसमें एडिशनल बात ये भी है कि अगर आप लिख कर नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि वॉलेट एक एप्लीकेशन है जो सिंक्रोनाइज करता है आपके SMS से, तो आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, बैंक रिलेटेड SMS तो आते ही होंगे, तो वो ये एप्लीकेशन से सिंक हो जाते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा हो रहा है, इस तरह से भी आप काफी सारी सेविंग्स कर पाओगे। गाइस, टिप नंबर फोर है बचाने के लिए खर्च करो। अब आप बोलोगे बचाने के लिए खर्च कैसे करते हैं, तो जब भी आप कोई चीजें खरीदते हो तो ब्रांडेड चीजें खरीदो, क्योंकि अगर आप लोकल चीजें खरीदते हो जैसे कि टी शर्ट या कपड़े, कुछ भी चीजें खरीदते हो तो वो 2-3 वॉश के बाद ही खराब हो जाती है, तो आपको दोबारा खर्च करना पड़ता है, दोबारा खरीदना पड़ता है, तो आपके पैसे तो गए। तो इसके लिए आप एक ही बार खरीदो लेकिन अच्छी चीज खरीदो। मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो एक अच्छे ब्रांड का मोबाइल खरीदो, ताकि आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो हो गई ना बेनिफिट की बात इसमें भी, तो ऐसे भी आप पैसे बचा सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं टिप नंबर फाइव पे। टिप नंबर फाइव है
अगर आप मेरी तरह हो जिसको घूमने का शौक है तो जरूर से फाइंड आउट करिए कि जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हो वहाँ पे क्या आपके फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव या कोई भी रहता है जिसे घर पे जाके आप सेव कर सकते हो। तो इससे आप होटल के चार्जेस जरूर बचाओगे, साइट सीइंग के चार्जेस बचाओगे, क्योंकि ये भी लोग आपके पास साथ आएंगे, आपको दिखाएंगे। इससे आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और आपके पैसे भी बचेंगे। तो है ना फायदे का सौदा। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 टिप तो दे दिए, चलिए देती हूँ मैं आपको एक बोनस टिप। बाय व्हाट यू वांट, हमेशा वही खरीदिए जिसकी आपको जरूरत है। होता क्या है, हम मॉल में गए, काफी सारा सेल लगा है, बहुत कुछ खरीद लेते हैं, अरे ये भी सेल में, वो भी सेल में, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, लेकिन हालांकि हमको उस चीज की जरूरत होती नहीं है। मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन मैं धीरे 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 मैंने वर्क अपॉन किया ताकि मैं अगर पैसे बचा सकती हूँ तो आप तो जरूर बचा सकते हो। तो ऐसे करके आपको जो भी चीज की जरूरत है आप वही खरीदिए, क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम आपको जो चीज लेनी है आप वो नहीं लेते हो मॉल में, या फिर कुछ और ही ले लेते हो। अक्सर ये लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि मेरे साथ होता है, तो इसलिए मुझे, आई एम श्योर दूसरे लड़कियों के साथ भी होता होगा। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको जो चीज की जरूरत है आप उसी चीज को खरीदिए, एक्स्ट्रा चीज खरीदने मत जाइए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जो चीज खरीदनी है आप उसके लिए सेविंग कर पाओगे। आपको हो सकता है आप अच्छे फोटोग्राफर हो, आपको कैमरा खरीदना है तो आप उसके लिए सेविंग्स खरीदिए, आपको बाइक खरीदना है उसके लिए सेविंग्स करिए, आपको घर खरीदना है उसके लिए सेविंग्स करिए। ये छोटी 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 सेविंग ही एक दिन आपकी बहुत बड़ी सेविंग दिखेगी। और भी बहुत सारे सेविंग्स के तरीके हैं, जैसे अगर आपको थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाना है तो आप चलकर जाइए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप पैसे भी बचा सकते हो। तो है ना ये मजेदार टिप्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी जान सके शेयरिंग ये सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। और प्लीज, अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सके। टिल देन कीप सेविंग, हैव फन, बाय बाय।